आज का जो वीडियो है ये मैंने स्टार्ट किया है आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। जैसे कि आज मेरा है फर्स्ट ऑफ ऑल द वीक ऑफ, तो मैंने सोचा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक मैं कुछ यूट्यूबर्स को ट्राई करूँगी, ठीक है। तो वन ऑफ मेरी बेस्ट यूट्यूबर है जिनको मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक बालों से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, होम रेमेडी से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, तो मैं उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती हूँ। एंड उनके वीडियोज़ जो है देखने के बाद में जो भी चीज़ें फॉलो करती हूँ ना, 100% जो है लाइक लगभग आप समझ लो 80 to 90% उसका रिजल्ट मुझे ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, ठीक है। सो नानी माँ वाला जो नुस्खा होता है उसके लिए मैं इनको फॉलो करती हूँ मोस्ट ऑफ। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि हमारे लाइक कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है नानी से या फिर मम्मा से, तो चीज़ें नहीं पता चल पाती है, अर्जेंट में किसी चीज़ की नीड है, तो ऑब्वियसली मैं इनको फॉलो करती हूँ। तो ये वाला जो वीडियो है जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ये मैं आज जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और ये देखें कि आज जो है इनका वीडियो देखने के बाद मैं अपने बालों के ऊपर किस तरीके से हेयर ट्राई करने वाली हूँ। जो है मैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो वीडियो मैंने आपको शो किया है वो हम आज ट्राई करने वाले हैं। एंड रिज़ल्ट जो है इसका मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप इसको तुरंत बना के ट्राई करो बोल के, बिकॉज़ ये वाला ऑयल जो है अभी तक मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एलोवेरा हो गया है, तो मैंने सोचा मैं बना सकती हूँ इसको। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना एलोवेरा जो है हार्वेस्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सा काट लेंगे जैसे कि ये वीडियो में शो किया है, एंड उसके बाद जो है हम लोग बनाएंगे एलोवेरा का हेयर ऑयल। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरे गैलरी की तरफ, वहाँ पे जाके जैसे कि बताया है वीडियो में उस तरीके से एलोवेरा लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा एलोवेरा हेयर ऑयल। ये मैंने यहाँ पे ले लिया है प्लेट एंड नाइफ, एंड अभी मैं जा रही हूँ गैलरी की तरफ अपना एलोवेरा हार्वेस्ट करने ताकि मैं इसका ऑयल बना सकूँ। दिन के अंदर एंड आप देख सकते हो मैंने एलोवेरा जो है ले लिया है, ये देख लीजिए, और यहाँ पे मैंने बड़े बड़े एलोवेरा का यूज़ किया है, ठीक है। अभी जो है जैसे कि बताया था वीडियो में 3 एलोवेरा का हमने इस्तेमाल करना है और मैंने काफ़ी बड़े बड़े एलोवेरा लिए हैं। वैसे भी मुझे इसका हार्वेस्ट करना था क्योंकि मेरे एलोवेरा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो इससे पहले वो मतलब ख़राब हो के सड़ के मर जाए मैं उसको यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो उसके बेनिफिट्स आपको भी पता है कि एलोवेरा के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी मैं जो है कैमरा सेट कर रही हूँ अपना ऑयल जो है बनाने के लिए, एंड मैं आपको शो करूँगी पूरी तरीके से कि किस तरीके से वीडियो में शो किया है बनाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो गाइस चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि वीडियो में बताया था सबसे पहले हमें एलोवेरा को जो है साफ धो देना है, तो मैं इसको धो देती हूँ। एक और चीज़ इसके अंदर शो की है उन्होंने वो ये है, मैं आपको वो जूम करके बताऊंगी। पहले मैं इसको शो कर, पहले मैं इसको धो देती हूँ। इसके अंदर जो येलो कलर का चीज़ देख सकते हो, लाइक ये देख लीजिए, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, बट ये जो जब हम इसको काटते हैं ना तो इसके अंदर से एक येलो कलर का जैसे एक मतलब ग्लूटेन मतलब कुछ रहता है, चीज बोलते हैं जिसको हम लोग, उसको आपको ध्यान रखना है कि वो आपको नहीं देना है, तो वो आपका जो पार्ट है ना वो अच्छी तरीके से निकल जाना चाहिए। ये जो आप वाइट कलर के इसके ऊपर स्ट्रिप्स देख रहे हो क्या, ये वाले जो स्ट्रिप्स है ना, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, मतलब हमें यही वाले टाइप का एलोवेरा लेना है ये वाले ऑयल के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको वो चीक वाला बोला, ठीक है, जब हम निकालते हैं एलोवेरा कट करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है वहाँ से वो येलो कलर का एक चीक होता है वो निकलता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कहीं पे भी लाइक हमारे चेहरे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं या हमारे बालों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो यूज़ ना हो, लाइक हमें अच्छे तरीके से इसको साफ़ तरीके से धो देना है एंड देन ही हम इसको यूज़ करेंगे।
सो अभी मैं इसको साफ टॉवल से ये जो एलोवेरा है ये पोंछ लेती हूँ। मैं हमेशा अपने बालों के लिए, अपने फेस के लिए कोई ना कोई चीज़ें ट्राई करती हूँ जैसे ही मुझे वक्त मिलता है या मौका मिलता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें जो होती है ना वो डैमेज कर देती है बालों को या फिर हमारा चेहरा ही मान लो आप। तो मैं हमेशा वो चीज़ें ज़्यादातर प्रिफर करती हूँ कि हम घर में बनाएं, घर की चीज़ें यूज़ करें एंड उसको मतलब जो भी केमिकल्स वगैरह होता है उनसे हम बचें। तो अभी ये साफ धो गया है, गाइज यहाँ पे भी मैंने चम्मच ले लिया है, ठीक है, बिकॉज छुरी से निकालने में मेरे को एक्चुअली आदत नहीं है छुरी से निकालने की, मैं हमेशा स्पून से ही निकालती हूँ। तो मैंने सोचा इसको भी स्पून से निकालते हैं, बहुत इजीली और अच्छे से निकल जाता है। सो ये देख लीजिएगा, तकरीबन जो ये आधा बाउंड पल्प निकला है जिसको मैं अभी करने वाली हूँ लाइक मिक्सर में ग्राइंड करके लूँगी एंड उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है एंड ये कचरा वगैरह सब मुझे यहाँ से हटा के साफ़ करना है। तो गाइज ये मेरा एलोवेरा का जो जेल है वो रेडी हो गया है हमारे ऑयल के लिए। अभी जितनी क्वांटिटी का लाइक जेल रेडी हुआ है उतना ही क्वांटिटी में जो है मैं ऑयल लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैराशूट नारियल ऑयल जो सादा वाला रहता है एंड क्योंकि मुझे आपको जो है मेरे पास सेम यही साइज़ का बाउल नहीं था तो मैंने सोचा मैं ये वाले जो साइज़ के जो बाउल होते हैं इसमें मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो जो हमने पल्प निकाला था वो एग्जैक्टली ये वाले बाउल का मेजरमेंट मुझे मिला है। सो ये मैं फिर से आपको चाहिए तो ऐड करके दे दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब यही बाउल के साइज़ का जो मतलब यही बाउल के नाप में जो है मैं हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। एक टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे काली मिर्च लिया है, तो इसको जो है अभी मैं एकदम धीमी आंच पे जो है पकने देने वाली हूँ जब तक ये ऑयल में जो एलोवेरा है ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। आई मीन ये जो एलोवेरा का आप देख रहे हो जेल जो हमने इसमें ऐड किया है ये पूरी तरीके से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए ऑयल में एंड उसके बाद जो है मैं आपको एग्जैक्टली जैसे ये हो जाएगा ये पक जाएगा फिर मैं आपको शो करूँगी बिकॉज मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना है। बट इस वक्त जो है इसमें से जो स्मेल आ रही है ना, जो खुशबू आ रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है। आप चाहो तो इसके अंदर जो धीमी खुशबू वाला जो पैराशूट ऑयल होता है, लाइक मेरे पास जो पैराशूट ऑयल था वो थोड़ा सा ही था लाइक ख़त्म हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये वाला जो ऑयल है ये भी यूज़ किया है बिकॉज़ ये पैराशूट का ही ब्रांड है एंड हम लोग पैराशूट का ही तेल यूज़ करते हैं। बस इसके अंदर जो है जैस्मिन का थोड़ा सा खुशबू आता है। सो बेसिकली ये तो आई का था तो मैंने यूज़ कर दिया, बट ये वाला मैंने मिक्स किया है एलोवेरा का एंड जो जैस्मिन का जो खुशबू आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एज़ पर वीडियो के हिसाब से जो है इसके अंदर हमने कोई भी विटामिन सी का कैप्सूल ऐड नहीं किया है, विटामिन ई सी का कैप्सूल यूज़ नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि एलोवेरा का जो एग्जैक्ट फ्लेवर है वो इसमें आना चाहिए इसलिए। तो अभी हाल फिलहाल तो ये ऑयल पक रहा है, जैसे ये थोड़ा सा लाइक एलोवेरा का जो जेल है वो पूरी तरीके से ऑयल में लाइक एब्जॉर्ब कर लेगा ऑयल इसको एंड ये प्रॉपर ऑयल फॉर्म में आ जाएगा फिर मैं आपको शो करूँगा। तकरीबन जो है हाफ एन आवर के हिसाब से जो है हमारा ऑयल जो है ये पक रहा है एंड ऑलमोस्ट मेरे को लगता है ये हो गया होगा। मैं एक बार आपको शो करती हूँ, एक सेकेंड, ये देख रहे हो आप,
जैसे घी बनाने के टाइम पे घी कैसे बटर जो रहता है वो नीचे बैठ जाता है और उसका जो घी ऊपर आ जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है। ये आप देख लो, ये हमारा जो ऑयल है ये ऑलरेडी रेडी हो गया है। और आप देख सकते हो ये इतना ज़्यादा पका है ना, पक पक के ये एकदम, मतलब मैंने एक वाटी लिया था तो ये आधी वाटी के आसपास हो गया है। मतलब आप ये समझ लो, अगर मैं दो वाटी ले रही हूँ, एक वाटी वो ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, एक वाटी जो है एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें से मुझे सिर्फ एक ही वाटी जो है ऑयल मिलेगा प्रॉपर वे में, और बाकी का जो है वो पूरा पकने में चला जाएगा क्योंकि एब्जॉर्ब होने के लिए उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, सो अभी ये तो हो गया है ऑयल मेरा, ये आप देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है आपको। सो अभी मैं क्या करूँगी, मैं गैस को जो है ऑफ कर देती हूँ और इसको जो है लगभग हम लोग को ठंडा करने के लिए रखना है। ये ठंडा करने के लिए जो है तकरीबन आधा घंटा तो एटलीस्ट मुझे लगता है होगा ही। उसके बाद जो है हम इसको छानेंगे और छान के फिर इसको आप कांच के बर्तन में या फिर आपको जैसा लगता है आप उस हिसाब से आप रख। सो गाइस, ऑयल मेरा अभी ठंडा हो गया है तो मैं इसको जो है पहले, सबसे पहले तो इसको छान लेती हूँ एक, ये देख लीजिएगा। एक स्पून का नीड लगेगा मुझे ताकि ये पूरी तरीके से निकल जाए। इसको आपको कपड़े की हेल्प से या फिर इसको छन्नी की हेल्प से छानना होगा, और इसको अगर एक से दो बार छानोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये मेरा ऑयल जो है एलोवेरा का, जिस तरीके से बताया गया था वो पूरी तरीके से रेडी है, आप देख सकते हो। और ये बहुत ही मस्त बन के आया है, इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको जो है मैं स्टोर करूँगी, मेरे पास यहाँ पे एक कांच का बर्नी है जिसके अंदर मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो आप किसी भी चीज़ में आप स्टोर कर सकते हो, बट ध्यान रहेगा कि जो आपका बर्नी है या फिर आपका बॉटल है, स्प्रे बॉटल में भी आप ऐड करके इसको रख सकते हो। फिलहाल मैं तो इसमें कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ये कॉटन यूज़ करके अपने हेयर पर अप्लाई करना है। सो मैं एक बार यहाँ पर एक नंबर, ये ऑयल जो है इस वीडियो के हिसाब से, जो हमने वीडियो आपको स्टार्टिंग में जो मैंने शो किया था वीडियो जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, उस वीडियो के हिसाब से ये वाला ऑयल आप सिर्फ हेयर में ही नहीं, आपके अगर घुटनों में, आपके बोन्स में अगर कहीं पे दर्द है या आपकी कोई बॉडी का जो पार्ट है, लाइक आपके आपका फेस हो गया या फिर आपका एल्बो हो गया, ये अगर रूखा हो गया है, मतलब स्किन ड्राई हो जाती है, सर्दियों में भी स्किन ड्राई हो जाती है, बारिश में स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप वो वाला जो है पार्ट को ये ऑयल अप्लाई कर सकते हो। एंड उन्होंने जहाँ तक बताया है कि ये भी, मतलब ये ऑयल के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट रहेगी। ठीक है, सो अभी ये ऑयल मैं ट्राई करने वाली हूँ फॉर नेक्स्ट 15 डेज, एंड 15 डेज के बाद मैं आपको अपना जो रिव्यू है इस ऑयल को लेके वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज तारीख है 23, तो इस ऑयल का जो रिव्यू रहेगा वो एग्जैक्टली आपको 15 डेज़ के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या रिव्यू मेरा आता है। एंड 15 डेज़ में होपफुली मेरे बालों के लिए जो मैं ट्राई करने वाली हूँ इसमें कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए, एंड प्लस आजकल मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं डेफिनेटली ये ऑयल जो है अपने पैरों में भी ट्राई करने वाली हूँ ताकि मेरे पैर का जो रूखापन है वो चला जाए, एंड प्लस जो मेरे हेयरफॉल जो, मतलब वो बाल जो अंदर से ड्राई लग रहे हैं मुझे थोड़े से, वो भी हट जाए। ठीक है, सो होपफुली जो है ये आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा इतनी मेहनत करने के बाद, तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ कुछ न्यू ट्राई करने के लिए। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट ब्लॉग आप किस तरीके का देखना चाहते हो, या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैंने क्या ट्राई करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। लाइक आप मुझे कोई वीडियो लिंक शेयर कर सकते हो कि प्लीज़ इसको ट्राई कर लीजिए एक बार, इसका रिव्यू दीजिए, या फिर आप मुझे कोई क्लिप भेज सकते हो, लाइक वीडियो या कुछ ऐसे भेज सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहिए तो उसमें मुझे मेल कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कोई क्लिप्स भेज के कि आप प्लीज़ इस चीज़ का रिव्यू हमें दे दीजिएगा या फिर इस चीज़ पर नेक्स्ट व्लॉग बनाइएगा, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करने का ट्राई करूँगी। ठीक है,
सो हाल फिलहाल के लिए तो मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ और आपको 15 दिन के बाद जो है मैं इसका रिव्यू मेंशन करूँगी, यानी एक व्लॉग जो है इसके रिव्यू पे मैं बनाऊँगी जिसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि क्या मुझे इसका इफेक्ट मिला या नहीं मिला। सो मिलेंगे नए व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।